الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون लायक़-ए-सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए-किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन-ए-इस्लाम, आज का ये जो तरबियती इजलास है, इस इजलास में आप हज़रात ख़वातीन के सामने गुफ्तगू करने के लिए मेरे सामने जो उनवान रखा गया है वो उनवान है मियाँ बीवी के रिश्ते नाकाम क्यों। भाइयों, दुनिया में अपनी मर्जी से इंसान जो रिश्ता बनाता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। कुछ रिश्ते तो वो हैं जो इंसान पैदाइश के साथ अपने साथ लेकर आता है, जैसे माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और कुछ रिश्ते वो हैं जो इस दुनिया में आने के बाद इंसान अपनी मर्जी से बनाता है, और इंसान की अपनी मर्जी से जो रिश्ता इंसान बनाता है वो रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इज़्दिवाजी रिश्ता है। इस रिश्ते के अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मकासिद मुतय्यन किए, अल्लाह तआला ने इस रिश्ते से कुछ मकासिद जोड़ कर रखे हैं। इस रिश्ते को जोड़ने के बाद अगर ये मकासिद पूरे हो रहे हों तो ये कहा जाएगा कि ये रिश्ता कामयाब है, और अगर वो मकासिद ना हासिल हों, मकसद पूरा ना हो, तो ये कहा जाएगा कि ये रिश्ता नाकाम और नामुराद है। कुरान और सुन्नत में अगर हम और आप पढ़कर देखें तो ये रिश्ते इज़्दिवाज मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसके कई मकासिद हैं। सबसे बुनियादी मकसद तो ये है कि एक दूसरे की फितरी जरूरत पूरी हो, मियाँ बीवी की जो रिश्ता है इसके जरिए मर्द औरत की जो फितरी जरूरत है उसकी तकमील हो, वो जरूरत पूरी हो, और इस जरूरत के पूरा होने के साथ साथ आदमी की जिंदगी में इफ्फत और पाक दामनी आए, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए काफी हो जाएं, फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिश के लिए उनको किसी और तरफ देखना ना पड़े। इसी से जुड़ा एक मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला ने इसी रिश्ते पर नस्ल इंसानी की बका और उसके दवाम या इस्तेमरार का दारोमदार रखा। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो, सही हो, तो फिर इस रिश्ते में वो बरकत आती है जिसे हम औलाद की बरकत कहते हैं। ये भी एक मकसद है कि नस्ल इंसानी का बका और सिलसिला जारी रहे। इस रिश्ते का एक बड़ा अहम मकसद और भी है जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने उस आयत में बयान किया जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयतिहि अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि मियाँ बीवी को इस रिश्ते से अल्लाह ताला सुकून देता है, बिलखसूस मर्द को औरत का जो सुकून मिलता है ये इस रिश्ते के मकासिद में से एक अहम मकसद है। इस रिश्ते के मकासिद को अगर हम और आप जरा और वसी पैमाने पे देखना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि वो अकेला नहीं जी सकता, उसे एक खानदान चाहिए, एक कबीला चाहिए, एक घराना चाहिए।
एक घराने से इंसान मुकम्मल होता है, इंसान की जरूरतें पूरी होती, इंसान के मसाइल हल होते हैं। ये खानदान कबीला इंसान की जरूरत है। आप अगर देखें कुरान और सुन्नत में हम और आपको बताया गया है कि घर की बुनियाद असल में मियां बीवी के रिश्ते की मजबूती में, ये अगर मजबूत होते हैं तो ये घर आबाद होता है और ये घर ये खानदान बनता है, ये खानदान ये कबीला बनता है, ये कौम बन जाती है। और अगर ये रिश्ता अगर दरार इसमें दरार पड़ जाए, ये खलल का अगर शिकार हो जाए तो फिर न घर रहता है न खानदान रहता है, बल्कि कई बार तो बने बनाए घर, बसे बसाए घर, अच्छे खासे उल्फत और मोहब्बत में जीने वाले खानदान बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। मियां बीवी के रिश्ते से बहुत सारा खैर अल्लाह ने जोड़ के रखा है, उन्हीं में से एक खैर यह भी है कि जब मियां बीवी का रिश्ता मजबूत और सही सिमत में जाता है तो फिर उनके जेरे साया जो नई नस्ल परवान चढ़ती, जिन बच्चों की परवरिश होती है उनकी परवरिश सही ढंग से होती, सही अंदाज से होती, उन बच्चों की जहनी तरबियत, उन बच्चों की अखलाकी तरबियत, उन बच्चों की जिस्मानी तरबियत, उन बच्चों की ईमानी तरबियत, उन बच्चों की इल्मी तरबियत, उन बच्चों की शख्सियत को निखारने वाली तरबियत, हर हैसियत से माँ बाप बच्चों पे तवज्जो उस वक्त दे पाते हैं जब उनका अपना रिश्ता सही ढंग से चल रहा हो। हाजी ने गिरामी, मियां बीवी का रिश्ता सबसे पहले आप यही नुक्ता समझ लें, ये सिर्फ जानवरों की तरह एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करके अलग हो जाने का नाम नहीं, ये एक ऐसा पाकीजा रिश्ता है, इतना मोतबर रिश्ता है, इतना अहम रिश्ता है कि कुछ तो मैंने जिक्र किए और बहुत सारे ऐसे ही मकासिद हैं जो अल्लाह ताला ने इस मुबारक रिश्ते से जोड़ कर रखे। इसीलिए इस्लामी शरीयत में आप ये बात देखें, कुरान और सुन्नत अगर आप पढ़कर देखें, इस्लामी शरीयत की जो अमली अहकाम की जो तफसील आई उसमें एक बड़ी फहरिस्त मिलेगी, बड़ी लंबी फहरिस्त मिलेगी जिसका इसी रिश्ते पर दारोमदार है। आदमी की जिंदगी में ये रिश्ता ना हो, इस रिश्ते से जुड़े मामलात और मसाइल ना हो तो दीन का एक अहम बाब अमल करने से आदमी उस पर कासिर रह जाता है, उसकी जिंदगी में दीन का एक बड़ा बाब अधूरा रह जाता है। इस्लामी शरीयत की नजर में इसीलिए मियां बीवी के रिश्ते को गैर मामूली अहमियत दी गई, मियां बीवी के रिश्ते की हिफाजत की तालीम दी गई, तरगीब दिलाई गई, रास्ते बताए गए कि कैसे कोई रिश्ता निभाया जाता है, कैसे अपने रिश्ते को संभाल जाता है। मैं ना तो आज आपके सामने इस रिश्ते की नजाकत और अहमियत पे तफसील से बात करना चाह रहा हूं इसलिए कि वक्त नहीं, और ना ही मेरे सामने मियां बीवी के रिश्ते में हुकूक तरफैन के क्या क्या होते ये मुझे बताना है। मुझे खास एक नुक्ते पे, एक पहलू पे खास सिर्फ बात करनी है कि मौजूदा दौर में जिन मसाइल से मुस्लिम समाज गुजर रहा है या मुस्लिम सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने, जो मसाइल हमारे सामने हैं, उनमें से एक बड़ा मसला है मियां बीवी के रिश्तों का नाकाम होना, या तो पूरी तरह नाकाम हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए, खुला की नौबत आ जाए, जुदाई की नौबत आ जाए, एक दूसरे से अलग होने की नौबत आ जाए, या फिर समाज के सामने तो भरम कायम है कि मियां बीवी है लेकिन न बीवी शौहर के लिए अपने दिल में जगह महसूस करती है, न शौहर अपने दिल में अपनी बीवी के लिए वो मुकाम महसूस करता है। ऐसे भी बहुत सारे नाकाम रिश्ते हैं। वो समाज के सामने अपना भरम रखने के लिए, कभी खानदान का नाम बचाने के लिए, कभी अपने बच्चों पे तरस खाकर, कभी खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए, और कभी ये सोच कर के चलो हो गया जो हो गया यही सही जिंदगी चंद दिन की गुजार लेंगे, गुजार रहे, लेकिन रिश्ते अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं अंदर से, उनके दरमियान वो जो मोहब्बत, वो जो उल्फत, वो जो एक दूसरे के लिए अपनाइयत, एक कशिश, कुर्बानी, ईसार और एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जो जज्बा होता है, इस रिश्ते के अंदर अल्लाह ताला ने जो मिठास रखी, जो सुकून रखी, इन सारी नेमतों से महरूम रिश्ते नजर आते हैं। भाइयों, आज अगर हमारे और आपके समाज में हम और आप देखते हैं, आप कितनी मिसालें ऐसे चाहिए आपको, शादी ब्याह के बाद 6 माह के अंदर लड़के और लड़की के दरमियान खटपट शुरू, खानदान में झगड़े शुरू, इधर से लड़ाइयां, उधर से लड़ाइयां, इधर से बातचीत, लड़की घर आके कहती है मैं वापस नहीं जाना चाहती, मां से कहती है किसी तरह मेरा खुला करा दें, मां से आकर कहती है मुझे छुड़ा दें, अलग कर दें, और कई बार उल्टा भी होता है कि लड़का कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत, इससे तो अच्छा था शादी ना करता, वो लोगों के सामने जाकर नहीं कह पाता, दोस्तों में कम से कम कहता है शादी नहीं करके ही अच्छा था, शादी करके मैं परेशान हूं।
ये क्यों हो रहा है कि हमारे और आपके समाज में वो रिश्ते जिसे अल्लाह ने एक नेमत के तौर पर पेश किया, एक रहमत के तौर पर जिस रिश्ते का तारुफ इस्लामी शरीयत में कराया गया, वो नेमत वो रहमत आज समाज में जहमत क्यों बनती जा रही है? क्यों हमारे और आपके समाज में मियां बीवी का ये रिश्ता अपनी कशिश अपनी कुव्वत अपना वजन खोता जा रहा है? क्यों आज ये सूरत हाल है? बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसी भी हैं, दूसरों की जिंदगी के मसाइल देखकर वो ये ठान कर बैठते हैं, मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। क्यों? कहा मेरी किस्मत में भी वैसा आ जाए जैसे फलां की जिंदगी में आया, मुझे अगर वैसा शोहर मिल जाए जैसा शोहर फलां खातून को मिला, उससे तो अच्छा मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। और लड़का भी सोचता है चलो क्या है, खा रहा हूं पी रहा हूं, जिंदगी है, कुछ महरूमियां होगी, लेकिन अगर लड़की सही निकली नहीं निकली तो मैं क्या करूं? भाइयों, इसके पीछे असबाब क्या है, इन रिश्तों के बिखरने के पीछे असबाब क्या है, ये रिश्ते नाकाम क्यों है? अगर हम इनका जायजा लेना चाहेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारे असबाब हैं। बिगाड़ जब बहुत बड़ा होता है ना तो असबाब भी उसके बहुत ज्यादा होते हैं। आज की इस मजलिस में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितना वक्त है उतने वक्त में कोशिश करके कुछ बुनियादी असबाब सिर्फ जिक्र करूंगा, कुछ का दीन से ताल्लुक है, कुछ का दुनिया से ताल्लुक है, कुछ का हमारे समाज सोसाइटी से ताल्लुक है। हम और आप इन असबाब पर नजर रखकर देखें, अगर हमारे और आपके खानदान कबीले में कहीं किसी रिश्ते में खटास आई है, दूरियां आई है, इन्हीं में से कोई ना कोई सबब आपको और मुझको नजर आएगा, और अगर नजर आए तो इसका इलाज कीजिए। और अगर अल्लाह करे आप शादी कर रहे हैं अपने बेटे की बेटी की, या लड़का लड़की शादी करने वाले हैं, तो फिर नजर रखें कहीं इनमें से कोई सबब आपके रिश्ते में ना आ जाए, इनमें से कोई वजह आपके रिश्ते में ना दाखिल हो जाए और आपके रिश्ते को खत्म करने का बाइस ना बन जाए। हाजीने गिरामी कदर, आपके सामने ये बुनियादी बात रखना चाहता हूं। देखो इस्लामी शरीयत आपको सबसे पहला मसला ये सिखाती है कि रिश्ता निभता नहीं है, निभाना पड़ता है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, रिश्ता जो होता है वो निभता नहीं है, निभाना पड़ता है। इसलिए कि ये रिश्ता आप लेकर नहीं पैदा हुए, आपने जोड़ा है। अगर आपने जोड़ा है तो फिर उस रिश्ते को निभाना भी सीखें। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं बीवी आई तो मेरा अपना एक क्राइटेरिया है, इस पर चलना चाहिए सारी चीजें तो निभाऊंगा। या फिर लड़का सोचता है कि अगर लड़की सोचती है कि अगर शौहर आया तो उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, अगर नहीं आई तो फौरन मैं अपने रिश्ते से दस्तबरदार। नहीं, आपका काम यह है रिश्ता करने से पहले जो जो मालूमात करनी है तहकीक करनी है लड़के के बारे में लड़की के बारे में कीजिए, लेकिन शादी कर लेने के बाद अगर कोई कमी कोई कोताही, वो नहीं जो अखलाकी खराबी की हो, वो नहीं जो आदमी को दायरे इस्लाम से बाहर ले जाए, लेकिन इंसानी खूबियों कमालात में कोई कमी अगर नजर आती है, इस्लामी शरीयत आपको ये सिखाती है कि फिर इस रिश्ते को निभाना सीखो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शादी कर ली तो सब ठीक चलना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छी बात, बहुत पहले उम्र कम थी तब सुना था, और जब जब ये रिश्तों की बात सुनता हूं वो बात याद आती है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि आज तक किसी लड़की को ऐसा शौहर नहीं मिला जैसा वो चाहती थी, और आज तक किसी लड़के को ऐसी लड़की नहीं मिली जैसी वो हकीकत में चाहता था। देखिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ये बात आप मान के चलिए, कोई लड़की पूरी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होती, कुछ कमी कुछ बेशी जरूर होती है। इसीलिए मैंने कहा रिश्ता निभता नहीं है, रिश्ते को निभाना पड़ता है। और निभाने का तरीका क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यफरक मुमिनु मुमिना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन के लिए दुरुस्त नहीं ठीक नहीं मुनासिब नहीं कि वो एक मोमिना को नापसंद करे, यानी अपनी बीवी को। तुम भी ईमान वाले हो वो भी ईमान वाली, तुम भी ईमान वाले हो वो भी ईमान वाली है, तो क्या करो, अगर एक खराबी नजर आए तो फौरन उससे दामन झाड़ने वाली बात ना करो, न लड़का न लड़की। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन उसकी अगर एक बात अगर नागवार गुजरती, लड़की की या लड़के की कोई एक बात तुम्हारी नजर में ना पसंदीदा गुजरती है, नजर अगर जरा सा बदल लो तो नजर आएगा कि उसके अंदर दूसरी खूबी है जो तुम्हें पसंद भी आ सकती है, उसके अंदर कोई खामी है। तुम्हारी नजर उसी खराबी पे रुक गई, उसी खामी पे रुक गई, उसी बात पे टिक गई, जिंदगी अजाब हो जाएगी और तलाक और खुला तक नौबत आएगी।
थोड़ी सी नजर अगर तब्दील कर लो ना, थोड़ी सी नजर अगर तब्दील कर लो कि मैं खराबी तो है लेकिन इसके अलावा मेरे शौहर में ये खूबी, मेरी बीवी में ये खूबी है, ये खराबी ये कमी तो है लेकिन मेरी बीवी में ये खूबी ये कमाल है, तो होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक करा एक आदत अगर उसकी बुरी लगेगी, नाराजगी का बाइस बनेगी, दूसरी खूबी उसी की तुम्हें भा जाएगी। इस तरह रिश्ते निभाए जाते, इस्लामी शरीयत ने हमें यह सिखाया। आपको मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक देने का इरादा कर लिया। हजरत हफ्सा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का इरादा कर लिया तो क्या हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के नबी इनको तलाक मत दीजिए, अपने निकाह में इनको बरकरार रखिए, एक तो इसलिए कि ये जन्नत में भी आपकी बीवी रहेगी, उम्महातुल मोमिनीन में से जन्नत में भी अल्लाह ताला ने आपकी इनको बीवी बनाया हुआ है, और दूसरी ये कि इन्नहा सवामतुन कवामा, इनके अंदर ये खूबी है कि ये बड़ी कसरत से रोजा रखने वाली, बड़ा कसरत से क़ियाम करने वाली यानी तहज्जुद का एहतमाम करने वाली। हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी लायफरक मोमिन व मोमिना, उस हदीस के अल्फाज में भी एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है कि आपको दुनियावी नजर ही से सिर्फ नहीं देखना है कि मेरी बीवी को मैं देखा नहीं था ठीक से, पहले खूबसूरत नजर आई शादी के बाद अब जरा कम दिख रही, या लड़की कहती है मेरे वालिदैन ने लड़के को देखने का मौका नहीं दिया था, पहले मैं जैसा सोचती थी तस्वीर में जैसे देखी थी वहां जैसे देखी थी ठीक लग रहे थे, अब ठीक नजर नहीं आ रहे, कहा नहीं तुम्हें देखना यह है कि जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है वो ईमान वाला है ईमान वाली है, कुछ नहीं तो कम से कम ये खूबी है कि दीनदार है ईमान वाली है, तो फिर इस रिश्ते को निभाना सीखो। हाजीने गिरामी कदर पहला उसूल यह है कि खामियां अगर देखोगे दुनिया में कोई खामियों से खाली इंसान नहीं मिलेगा, खामियों से खाली न लड़की मिलेगी न लड़का मिलेगा, लेकिन अगर खामियों को बर्दाश्त करके खूबियों पर नजर डालना सीख लो तो तुम्हें रिश्ते निभाने का फन आ जाएगा, रिश्ते निभाने का सलीका आ जाएगा। यही इस्लामी शरीयत तुम्हें सबसे पहले नंबर पे सिखाती है। दूसरी बात, आज हमारे रिश्ते नाकाम क्यों हैं, तो उसकी एक वजह यह है कि हम और आप बच्चे और बच्चों की तरबियत में खास तौर पर बालिग लड़के और लड़कों की लड़की की शादी करने से पहले रिश्ते निभाने की तरबियत नहीं देते। देखिए तरबियत दो तरह से होती है, या तो यह है कि हमारे बच्चे हमारे अपने घरों में शादियां होते और रिश्ते निभते हुए करीब से देखें कैसे खटपट होती है लेकिन कैसे एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इतने इन्वॉल्व रहें अपने घराने में, इतने वो इन्वॉल्व रहें, उनको पता हो कि हमारे बड़ों ने रिश्तों को कैसे निभाया है, कई बार अपने बड़ों से वो सीख लेते रिश्ता निभाना आ जाता है। और अगर ये मौका नहीं है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, बच्चियां हॉस्टल में पढ़ती, या फिर ये कि दूर दराज रहते हैं, या घर अभी घर में पहली शादी इन्हीं की हो रही, तो फिर आपको तालीम देनी चाहिए, तरबियत देनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत ने रिश्तों को निभाने के उसूल क्या दिए, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है, ये उसूल हमें सिखाने चाहिए। हमारे और आपके अंदर जैसे दीनी तरबियत की कमी है, वैसे ही इस दिवाजी रिश्तों को निभाने की जो तरबियत होनी चाहिए शादी से पहले और शादी के बाद, वो रिश्तों की तरबियत भी हमारे और आपके समाज में नहीं। मैं बड़ी तेजी से एक दो बातें बताता हूं। देखिए कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयतिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा। इसमें अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान दो चीजें रख दी, एक तो मवद्दत जिसे मोहब्बत कहते हैं और दूसरा है रहमत यानी रहमो करम का जज्बा। जिंदगी में मियां बीवी का रिश्ता हो जो कि यहां जेरे बहस है, और इसके अलावा कोई भी रिश्ता हो, इन दो बुनियादों पे निभाना चाहिए। पहली बुनियाद ये कि रिश्ते के अंदर मोहब्बत पैदा करो और मोहब्बत की हिफाजत करो, मोहब्बत पैदा करो और मोहब्बत की हिफाजत करो। भाइयों देखो अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत में औरत की फितरत में यह बात रखी है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ आपके दिल साफ हो आपके दिल पाक हो तो फिर आपके दिल में लाजिमी तौर पर
वो दुनिया का चाहे बदशकल इंसान हो या दुनिया की जो है बदशकल खातून हो, लेकिन ये खास रिश्ता इसमें अल्लाह ताला ने ये कमाल रखा है कि ये खास मोहब्बत अल्लाह ताला इस रिश्ते में पैदा करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम युरा लिल मुताहाबैन मिस्लुन निकाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी चीज नहीं देखी गई। क्या मतलब है इस हदीस का? इस हदीस के कई मफहूम अहले इल्म ने बयान किए, उनमें से एक मफहूम यह बयान किया, कहा मियां बीवी में निकाह से जो मोहब्बत पैदा होती है, वो जो खास रिश्ता, उससे जो मोहब्बत दोनों में एक दूसरे के लिए पैदा होती है, ऐसी मोहब्बत किसी और जरिए से पैदा नहीं हो सकती। हमारे समाज में ये जो रिश्ता, ये जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत का एहसास करना, उसकी हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना, इसकी फिक्र बहुत कम नजर आती। उसकी वजह क्या है? कई असबाब हैं जो आगे मैं जिक्र करूंगा कि लोगों ने इस सरमाए को गंवा दिया। मियां बीवी के रिश्ते की जो असल मोहब्बत है, असल सरमाया, उसको गंवा दिया। देखो अल्लाह ताला ने बताया इस आयत में कि रिश्ते को मोहब्बत की बुनियाद पर कायम रखो, और जब आप मोहब्बत की बुनियाद पर रिश्ता करेंगे ना, तो फिर आप बिजनेस नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। तुम अच्छी रही तो मैं अच्छा रहूंगा, तुम बिगड़ी तो मैं बिगड़ूंगा, तुम मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक रहोगी तो मैं मानूंगा, तुम मानो तो मैं, ये बिजनेस नहीं। मोहब्बत में आदमी क्या करता है? सामने वाले को खिला के खुद भूखा रहता है, सामने वाले को खुश करने के लिए कुर्बानी देता है, ईसार से काम ले लेता है, अपनी जरूरतों को कभी घटा लेता है, सामने वाले का ख्याल रखता है। जब रिश्ता मोहब्बत पर कायम होता है ना, फिर वो रिश्ता निभ जाता है, बाकी नहीं रह गई। मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का वो जज्बा बाकी नहीं रह गया। इस मोहब्बत के जज्बे को पैदा करो। अब ये कैसे पैदा होगा? कई असबाब हैं, कई चीजें हैं, उनमें से एक बड़ी वजह आज खुलकर जरा आपके सामने बता देता हूं। मियां बीवी का अपने मखसूस ताल्लुकात कायम करने में झिझकना या बिला वजह के असबाब की वजह से मौका न देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, बड़ी प्यारी हदीस, आपको जो आपने सुनी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बुलाए, तुम तंदूर पे रोटियां सेक रही हो, तब भी छोड़कर तुम्हें अपने शौहर के पास आना पड़ेगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर तुम्हारा शौहर अपनी जरूरत पूरा करने के लिए तुम्हें दावत देता है और तुम उसकी बात नहीं मानती और उसके नतीजे में वो गुस्से में रात गुजारता है, तो शौहर सिर्फ रात गुस्से में नहीं गुजारता, आसमान वाला भी बराबर सुबह तक तुम पर गुस्सा होता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। अज़ीने गिरामी, मुझे एक बात कहने दें, और ये बात मैं खुलकर इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास मियां बीवी के झगड़ों की जो बातें आती है ना, उनके पीछे जब बारीकियों में जाके ढूंढते हैं तो पता चलता है कि कई बार किसी वक्ती नाराजगी की वजह से, या फिर ये कि अपनी कोई शर्त मनवाने की खातिर, या फिर ये कि अपने ससुराल का जॉइंट फैमिली का माहौल है उसकी वजह से, या बच्चों के सामने शर्मिंदगी के एहसास के हवाले से अक्सर ख्वातीन अपने शौहर की फितरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, या कई बार उल्टा भी होता है, लेकिन औरतों में हया है तो औरतें खुलकर नहीं बताती। शौहर का भी यही मामला कि कई बार अपनी औरत अपनी बीवी की फितरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। याद रखो अल्लाह के बंदो, मियां बीवी के रिश्ते को मजबूती देने वाली सबसे बड़ी बुनियाद यही है, सबसे बड़ी बुनियाद यह है। इस मसले को आपको समझना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने जो इतनी सख्त वईद सुनाई, उसके पीछे कई हिकमतें हैं। उनमें से एक हिकमत यह भी है कि यहां अगर कमजोरी आई, यहां दूरी आई, तो फिर यूं समझो आपके अपने रिश्ते में दरार पड़नी शुरू होगी, आपके मोहब्बत के जज्बे में कमी आने लगेगी, फिर ये चीजें कमजोर पड़ती जाएंगी तो बाकी दूसरी चीजें ज्यादा अहम होती जाएंगी। और एक आदमी को जब मर्द को खास तौर पर उसकी अपनी जरूरत पूरी नहीं होती ना, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, मिजाज में गुस्सा आने लगता है, और ऐसे चिड़चिड़े मिजाज के साथ खातून की छोटी सी छोटी बात भी जहर लगती है, उसकी मामूली सी लफ्जिश भी बहुत बड़ा पहाड़ नजर आने लगती है, यहां से दूरियां आती हैं। मैं आपको बताऊं, ये हमारा तजर्बा, मैं उसकी रोशनी में बता रहा हूं कि हमने देखा है कि लोग झगड़ते हैं बहुत सारी बातें, नतीजा जब आते हैं इनकी शिकायत सुनी, उनकी सुनी, इनकी सुनी, उनकी सुनी, कुल मिलाकर कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये वजह वो नहीं समझ पाते कि ये छोटी बातें बड़ी क्यों हो रही हैं।
ये जो छोटी छोटी शिकायतें इतनी बड़ी क्यों हो रही हैं, वो समझ नहीं पाते। उसकी बुनियादी वजह है मियां बीवी के ताल्लुकात की कमजोरी, मियां बीवी के रिश्ते की कमजोरी, मियां बीवी का एक दूसरे के लिए वक्त न देना, मियां बीवी का एक दूसरे के साथ वक्त न गुजारना, मियां बीवी का एक दूसरे के लिए इस मामले में खास तौर पर मौका न निकालना, यह सबसे बड़ी वजह होती है। झगड़े में जो शिकायतें आती वो छोटी छोटी बातें, छोटी बातें, बल्कि कई बार तो शिकायत ये होती है मेरी छोटी छोटी बात पे हमारे शौहर नाराज हो जाते हैं, या आदमी कहता है छोटी छोटी बातों पे घर में झगड़ा करती है। मसला छोटी बातों का नहीं, इन छोटी बातों को बड़ी बनाने वाली जो बुनियाद है उस बुनियाद को पहचानो अल्लाह के बंदो। हाजिर गिरामी, बात को तफसील में ले गए बगैर फिर वापस लौट कर कहता हूं, अल्लाह ने कहा सबसे पहली बुनियाद है मवद्दत, मोहब्बत पर रिश्ते को कायम रखो। और दूसरी बात अल्लाह ने कही, कई बार ऐसा होता है इंसान है, आपकी कोई बात आपकी बीवी को या बीवी की कोई बात शौहर को नागवार गुजर सकती है, और कभी कभार इतनी नागवार गुजरती है कि दिल में ख्याल आता है अब इस रिश्ते में कोई मोहब्बत बाकी नहीं रह गई, कोई कशिश बाकी नहीं रह गई। आदमी को लगता है नहीं मैं पीछा छोड़ा लूंगा, लड़की को लगता है कि मैं पीछा छोड़ा लूंगी, खत्म, सब कुछ खत्म है। अल्लाह ने कहा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं निभाया जाता, रिश्ता रहमो करम के जज्बे के तहत भी निभाया जाता, रिश्ता रहमो करम के जज्बे की बुनियाद पर भी निभाया जाता है। वो क्या रहमो करम का जज्बा है, खानदान को देख करके भाई खानदान बदनाम होगा, बच्चों को देख करके इन बच्चों का क्या होगा, और कई बार लड़की पे या लड़के पे तरस खा करके मैं छोड़ दूंगा मैं छोड़ दूंगी तो बेचारा या बेचारी का क्या होगा। चलो ठीक है मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस पे तरस खा के रिश्ता निभाऊंगा, तरस खाकर मैं रिश्ता निभाऊंगी। इस्लामी शरीयत ने कहा इस सतह पर भी आके तुम्हें रिश्ता निभाना पड़ेगा। क्यों? देखो इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने एक ऐसा कमाल रखा है, जब मुश्किल वक्त आता है, जब लगता है कि रिश्ते में कशिश खत्म हो चुकी है, वैसे मौके पे रहमो करम को आप सहारा बना लेते हैं, तरस खाकर रिश्ते को निभाते हैं, ज्यादा दिन नहीं गुजरते कि वही रहमो करम का जज्बा दोबारा फिर मोहब्बत का जज्बा पैदा करने तक आपको ले आता है। आप देखें कितने शादीशुदा हमारे बुजुर्ग बता सकते हैं बीवियों के साथ कितने ऐसे लम्हात आए जब लगा कि जिंदगी में कोई मोहब्बत नहीं रह गई, लेकिन वक्त गुजरा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह के फद्लो करम से मोहब्बत वापस लौट आई। इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने वो कमाल रखा। इसीलिए भाइयों, वो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जो ये कहते हैं नहीं अब इस रिश्ते में कोई मेरे लिए कशिश बाकी नहीं रह गई, सब्र से काम लो, बर्दाश्त करो, ज़हनी तौर पे तुमने कबूल किया है अपने शौहर को अपने बीवी को, तो फिर उसे मौका दो, वक्त दो इस रिश्ते को, थोड़ा सा वक्त दो इस रिश्ते को। कई बार रिश्ते सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, खानदान कबीले के दूसरी बुनियादों पर भी निभाए जाते हैं, इसलिए कि वहां से फिर वो मोहब्बत लौट कर आती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ। हजरत उमर के जमाने में एक आदमी बड़ा मशहूर था, बहुत तलाक देता है, मशहूर क्या, बदनाम था। अब उसे भी पता चल गया कि मैं बड़ा बदनाम हूं कि मैं तलाक देता हूं, तो उसने क्या किया, लोगों देखो खामखा लोग मुझे बदनाम करते हैं, मैं क्यों तलाक देता हूं आओ तुम्हें बताता हूं, मैं जो तलाक देता हूं ना क्यों देता हूं आओ तुम्हें बताता हूं। कहां ले गया अपने कुछ साथियों को, घर की खातून को पर्दे के पीछे बिठाया और ये बैठ गया और उसने कहा क्या फुलाना, मर्द हजरात बैठे सुन रहे हैं, क्या फुलाना मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर यह पूछता हूं, सच सच बताना तुम उससे मोहब्बत करती है कि नहीं करती है, तुम उससे मोहब्बत करती है कि नहीं करती है। उस खातून ने कहा कि ए फुलान कसम मत दो, इसलिए कि कसम दोगे तो मैं इस तरह से मजबूर हो जाऊंगी, मुझे कसम मत दो। उसने कहा नहीं, एक तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे रहा हूं कि सही सही जवाब देना। अब बेचारी एक तरह से घिर गई, उसने अपने आप को घिरा हुआ महसूस किया, उसके दिल में जो सच था वो उसने बता दिया, कहा सच ये है कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। अब इसको आया गुस्सा, सारे लोगों को गवाह बनाकर कहने लगा देखो लोग मुझे कहते हैं ना मैं बुरा हूं मैं गलत हूं, देखो औरतें ऐसी होती हैं, मेरे साथ रहती मेरा खाती मेरा पीती, लेकिन कह रही है कि मुझसे मोहब्बत निकाल, लोगों देखो मैं इसी मिजाज की वजह से तलाक देता हूं, उस औरत को भी तलाक दे दी। हजरत उमर के पास ये कजिया पहुंचा, ये मामला पहुंचा, हजरत उमर ने उस आदमी को भी बुलाया उस औरत को भी बुलाया और बुलाकर सबसे पहले उस औरत से पूछा तुमने क्यों कहा कि तुम्हें दिल में मोहब्बत नहीं।
उसने कहा दिल में मोहब्बत वाकई नहीं है तो मैं क्या बोलूं। कहा हजरत उमर ने कह दी थी मुझे मोहब्बत है, कह दी थी मुझे मोहब्बत है, झूठ कहा कह दी थी। हजरत उमर के याद दिलाना चाह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी के मखसूस मामलात में झूठ बोलने की इजाजत दी है। इससे अगर रिश्ता बच सकता था तो बचा सकती थी वो ये बोल करके हाँ मुझे मोहब्बत है। हजरत उमर ने उससे कहा अल्लाह की बंदी झूठ बोल देती लेकिन क्यों तुमने कहा कि मोहब्बत नहीं। और फिर उसके बाद इस आदमी को समझाया और जो बात हजरत उमर ने उस आदमी से कही ना वो आज के हमारे अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को नई शादीशुदा जोड़ों को समझनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा अकल्लुल बुयूती मा युबना अलल हुब, बहुत कम घर ऐसे रह जाते हैं जिनकी बुनियाद मोहब्बत पर हमेशा कायम रहे। वइन्नमा यतआयशुन नास, लोग तो जिंदगी गुजारते हैं खानदान कबीले को बचाने के लिए रिश्ते बन निभा कर चलते हैं। मेरे भाइयों वही बात के कभी वक्ती तौर पे मोहब्बत खत्म होती नजर आती है, रहमो करम के जज्बे को सहारा बनाओ रिश्ते निभ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बातें हमारे बच्चों की तरबियत में होनी चाहिए, ये बातें हमारे बच्चों की तरबियत में होनी चाहिए कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। अच्छा चलिए एक और मसला भी बताता हूं। इस्लामी शरीयत ने हमें बताया रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात रिश्तों के बिखरने की वजह, देखिए मगरबी दुनिया ने मुसावात मर्द जन के नाम पे, मर्द और औरत बराबर है के नाम पर एक ऐसा माहौल एक ऐसा कल्चर हमारे और आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाया है कि इस कल्चर के जेर असर हमारे घरों की आम जो खवातीन हैं वो खवातीन जब शौहरों के पास जाती हैं शरीयत मुतहरा की बयान करता है एक बहुत बड़ी हकीकत को भूल जाते हैं। वो हकीकत क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजाल कवामून अला निसा, अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का कवाम बनाया है यानी उनको उन पर अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया है। मर्द अथॉरिटी है, घर का मालिक मर्द है, बीवी उसके साथ है, उसकी मुसाइद है, उसकी मददगार है। दुनिया में वेस्टर्न कल्चर जिसे कहते हैं इस कल्चर ने मुसावात मर्द और जन, मर्द औरत दोनों बराबर हैं इस फिक्र ने यहां तक पहुंचाया। ये जो कवामियत की बात है कि मर्द जो है औरत पर ये गुना अल्लाह ताला ने फजीलत अता की है उसे बरतरी अता की है, इस सोच को बहुत सारी औरतें कबूल नहीं करना चाहती। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरी बहनों बुरा ना मानो, आज की इस बात को अगर समझ गई मुझसे हो सकते मेरी बात बुरी लग जाए लेकिन तुम्हारे घर बच जाएंगे। जिंदगी में जो औरत अपने शौहर के मुकाम को अपनी निगाहों में बाकी नहीं रखती वो अक्सर अपना घर तोड़ लेती है। याद रखो आपका शौहर, हर औरत को लगता है कि मैं अपने शौहर से ज्यादा समझदार हूं, मेरा शौहर जरा बेवकूफ है नहीं समझता है, दुनिया है। और शौहर को लगता है कि मेरी बीवी बड़ी नादान ना समझ है नहीं समझती। वो जैसे हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं ना मैं ज्यादा समझदार तुम ज्यादा समझदार, मियां बीवी में ये जंग ये बर्तरी की जंग बहुत ज्यादा चलती है। जिस घर में ये बर्तरी की जंग छिड़ जाए ना मैं बेहतर के तू बेहतर, मैं ज्यादा अच्छा समझती हूं कि तू ज्यादा अच्छा समझती है, मेरी राय बेहतर के तेरी राय बेहतर, वो घर यकीनन इख्तिलाफात की बुनियाद वहां पड़ जाती है। और अल्लाह अगर हिफाजत ना करे तो इसी बुनियाद पर घर टूट जाता है। मान के चलो कि मर्द कवाम है और ये बात याद रखो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजल करम से बास खवातीन अपने शोहरों से ज्यादा जहीन और फतीन होती हैं, लेकिन इस जहानत का सबूत ये नहीं है कि वो मनवाए अपने शोहर से, उस जहानत का सबूत ये है कि शोहर को बड़ा रखकर उसके बड़कपन को बाकी रखते हुए अपनी बात मनवा ले जाए। जहानत तो ये ना है। जो औरत ये समझती है कि मैं जहीन हूं और ये मैं अपने शौहर से मनवाऊंगी अपने ससुराल से मनवाऊंगी, ये जहीन नहीं बेवकूफ और नादान औरत है। अगर वाकई जहीन औरत होगी ना तो वो क्या करेगी, वो शौहर की बड़क बड़कपन को उसके मुकाम को बाकी रखेगी और बाकी रखते हुए होशियारी से अपनी बात कैसे मनवाई जाती है जहानत का इस्तेमाल उस मामले में करेगी। आज हमारी खवातीन का मामला यही है। मैंने देखा है कि खास तौर पे जरा उम्र दराज होने के बाद या इब्तिदा ही में जिन औरतों को शौहर की कोई भी कमजोरी वगैरह हाथ लग जाए तो फिर उसके बाद वो चाहती हैं वो गालिब रहे शौहर उनका मगलूब बन के चले। आप यकीन करो शौहर का मुकाम अगर आपकी निगाहों से उतरेगा यानी आपकी नजर में शौहर घटेगा तो ये आपके सुलूक में नजर आ जाएगा।
आपकी गुफ्तगू में नजर आ जाएगा, आपके मामलात में नजर आ जाएगा। और जब आपके मामलात में ये झलकने लगे, छलकने लगे, नजर आने लगे, सामने वालों की नजर में भी आपके शौहर की वक़ात गुजर जाए, गिर जाएगी। आप अगर अपने शौहर को गुलाम साबित करना चाहेंगी और कहेंगी कि देखो मेरा शौहर मेरा गुलाम है, तो क्या होगा मालूम है? दुनिया वालों की नजर में आप गुलाम की बीवी बनकर अपनी वक़ात भी गिरा लेंगी। लेकिन अगर आपने अपने शौहर की कवामियत बाकी रखते हुए शौहर को बादशाह हाकिम ही बरकरार रखा, उसकी कामियों के बावजूद आपने अपने आप को उसी दर्जे में रखा, लाख वो गया गुजरा सही, लेकिन दुनिया की नजर में आपका शौहर बादशाह और आप उसकी मलिका ही नजर आएगी। वो बड़ी नादान है हमारी बहनें जो ये समझती हैं कि अपनी खवातीन की अपनी सहेलियों की मजलिस में बैठकर वो ये साबित कर लें कि मेरा शौहर मेरे हुक्म के ताबे रहता है, तो वो अपनी यूं समझती है कि अपनी काबिलियत मनवा रही। नहीं, आप अपनी अपना वजन गिरा रही, अपना हैसी अपनी हैसियत गिरा रही। इस्लामी शरीयत के इस मसले को याद रखो, जिस घर में मर्द की कवामियत बाकी रहती है, और कवामियत में कई बातें आती हैं, मैं उसकी तफसील में जा नहीं सकता, लेकिन ये बता दे रहा हूं कि कवामियत जब मर्द की बाकी रहती है तो फिर घर ठहरा रहता है। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जानते हैं ना, नए जमाने में कंस्ट्रक्शन के लिए पिल्लर सही जगह पे लगने चाहिए, सही अंदाज के लगने चाहिए। मर्द की कवामियत वही पिल्लर है जिस पर आपके घर की छत रुकी है। वो डगमगाए आपका घर भी खर जाएगा, याद रखिए। और दूसरी तरफ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, कुरान और सुन्नत में हम और आपको ये बताया गया है औरतों के बारे में, ये बात आमतौर पर इस्लामी शरीयत की सब लोग सुखात से बताते हैं, अल्लाह के नबी ने औरतों को नाकिसात व अक्ल व दीन कहा, ये अपने दीन और अपने अक्ल में नाकिस हैं, तो इसका मतलब लोग उनको बेवकूफ समझते। नहीं, आपकी अपनी बीवी आपकी रफीक़ हयात आपकी सबसे बेहतर मशवरा देने वाली हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला ने रजात के मामले में अपनी बीवियों से मशवरा करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद मर्तबा अज़वाजे मुतहरात के मशवरों को अल्लाह के नबी ने कबूल किया। हमारे समाज में जो गलत तसव्वुरात राइज है ना, वो ये है कि एक तरफ तो लोग ये कहलाना चाहते हैं मैं बीवी का गुलाम नहीं हूं, लोग कहते हैं मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं, और ये मनवाने के लिए लोग ये समझते हैं बीवी की कोई बात नहीं सुननी चाहिए, कोई बात नहीं माननी चाहिए। गलत है अल्लाह के बंदो। सुलह हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला लिया कि आपने सहाबा को हुक्म दिया कि भाई अब यहां हलाल हो जाओ, यही जानवर जबा कर दो, अपना सर मुंडवा लो, अगले साल आकर हम उमरा करेंगे। सहाबा तैयार नहीं हो रहे, उम्मतुल मोमिनीन में से बाज ने अल्लाह के नबी को मशवरा दिया, अल्लाह के नबी सहाबा ऐसे नहीं मानेंगे, आप सबसे पहले कर लीजिए, आपको देखकर सारे सहाबा कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने फौरन कबूल किया अपनी बीवियों का रिश्ता। बीवियों का मशवरा कबूल कर लेने से कोई बीवी का गुलाम नहीं हो जाता, समझा करो। आप अपने सारे मामला बीवी के हवाले कर दें, सोचे नहीं समझे नहीं, तब दुनिया आपको जोरू का गुलाम भी कहेगी, सब कहेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस इल्जाम से बचने के नाम पे आप बीवियों की कोई हैसियत ही ना रखें, घर में उनकी कोई हैसियत ही ना रहे। नहीं, आप बीवी से मशवरा करें जो मामला उससे मुतालिक, और अगर मशवरा नहीं भी करते कम से कम एक बात का ख्याल रखो, अपनी बीवी की इज्जत नफ्स का ख्याल रखो, उसका एक मुकाम है, उसका एक दर्जा है, उसको उसका ख्याल रखो कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। हाजिर गिरामी कदर वक्त बहुत कम बचा है, 5-6 मिनट, 4-5 बड़ी अहम वजूहत थी जिनको बयान करना था, मैं कर देता हूं फिर भी मुख्तसर वक्ती में। देखिए, हमारे और आपके समाज में जो रिश्ते बिखरते हैं ना, उन रिश्तों के बिखरने के पीछे एक वजह है मर्द का हद से बड़ा हुआ गुस्सा और औरत की बेलगाम जबान। रिश्ते जो बिगड़ते हैं मर्द के गुस्से की वजह से बिखरते हैं और औरत की बेलगाम जबान की वजह से। आपको मालूम है ना, जितने लोग तलाक देते हैं वो तलाक के साथ ये जुमला जरूर कहते हैं, मैं गुस्से में था तलाक देते हुए, मैं गुस्से में तलाक दे बैठा, मैं खूब गुस्से में था इसलिए मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिश्ते बिखर रहे हैं आपके गुस्से की वजह से। जिस घर में मर्द अपने गुस्से पर काबू रख ले, औरत अपनी जबान पर काबू रख ले, वहां रिश्ते निभ जाते हैं। मर्द का गुस्सा बेकाबू हो या औरत की जबान बेलगाम हो तो फिर वहां रिश्ते बिखर जाते हैं। इसकी वजह से भी रिश्ते बिखर रहे, नाकाम हो रहे हैं, ये मसला भी याद रखिए। हाजिर गिरामी कदर, हमारे समाज में रिश्तों के बिखरने के और भी असबाब हैं, उनमें से एक बड़ी वजह है ससुराल की दखल अंदाजी, बेजा दखल अंदाजी। दोनों तरफ से बात है, आप ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं तो याद रखिए, एक मामला है आपके घर का वो जो सबसे जुड़ा है,
और ये एक मसला है मियां बीवी का आपस का मामला, मियां बीवी के आपस के मामले में सारे घर को घुसा लेना ये बेजा दखल अंदाजी है और इसकी वजह से मियां बीवी के रिश्ते बिखर रहे हैं। आपकी वालिदा, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बड़े बुजुर्ग सब मोहतरम हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बीवी और आप मिलकर अपना जो किरदार ज्वाइंट फैमिली में अदा करना करेंगे, लेकिन मियां बीवी और मियां बीवी के मामलात में अगर आप सारे घराने को घुसा लेंगे तो फिर ये रिश्ता बिखर जाता है। और ऐसे ही जो लड़की रहती तो घर में है, सारी रिपोर्टिंग मां को दे रही है, बाप को दे रही है, फलां को दे रही है, ये बेजा दखल अंदाजी रिश्तों के बिगाड़ का बहुत बड़ा सबब है। और जो मां बाप अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में नहीं कर पाते, वो खुद अपनी निगाहों के सामने अपने बच्चों के रिश्ते बिखरते हुए देखते, बेजा दखल अंदाजी से भी रिश्ते टूटते बिखरते हैं। हाजी ने गिरामी एक और वजह जिसकी वजह से रिश्ते बिखरते हैं, बहुत बड़ी वजह है, देखिए हमारे समाज में टीवी सीरियल्स और फिल्मों का बड़ा असर है। खासतौर पर हमारी खवातीन फिल्में, टीवी सीरियल और मर्द हजरात भी टीवी फिल्में देखने के बाद दो तीन खराबियां अपने अंदर ले आते हैं। सबसे पहले तो ये हर औरत अपने शौहर में हीरो तलाश करना चाहती है और हर आदमी अपनी बीवी में हीरोइन तलाश करना चाहती है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो है ये बिजली के चिरागों से है जौहर की बर्राकी, ये सिर्फ चमक दमक है। अगर ये जिंदगी, ये जो आप देखते हैं ना खूबसूरती के मामले में वगैरह, आप यकीन करें पाकी सफाई के एहतमाम के साथ अगर आपकी बीवी बनसंवर जाए, शौहर पाकी सफाई का एहतमाम कर ले, बस औकात उनसे ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकती है। आप ये बात याद रखिए, वो जो दुनिया, और इतना ही नहीं कि खूबसूरती की बात कर रहा हूं, वहां जो मोहब्बत के रिश्ते, मोहब्बत की कहानियां पुराने जमाने में नावल होते थे, समाजी नावल, उसमें मोहब्बत के रिश्ते, मोहब्बत की वो ख्याली दुनिया, अल्लाह के बंदो वो ख्याली दुनिया है, उस ख्याली दुनिया की चमक दमक को देखकर अपनी जिंदगी को कंपेयर करने वाली गलती मत करो, यहां आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। ये होता है, फिल्में देखी, सीरियल देखा, किताबें पढ़ ली, नॉवल पढ़ लिए, फला पढ़ लिए, और इतना पुरकशिश रिश्ता फौरन देखते हैं, उतना महतरी मोहब्बत करता है, मेरा शोहर मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं करता, मेरी बीवी मुझसे ऐसा ताल्लुक नहीं रखती। अल्लाह के बंदो, दुनिया में याद रखो वो कहानियों में सब कुछ होता है, अगर आप इस तरह मुवाजने पर आएंगे अपने रिश्ते बर्बाद करने, एक बहुत बड़ी वजह रिश्तों के बिखरने की ये भी है। और एक बहुत बड़ी वजह और आखिरी वजह जिस पर मैं अपनी बात समेट लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी और अहम वजह है, वो क्या है, नए जमाने के अंदर सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना, इसने घरों को बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। मेरे माओ और बहनों और मेरे भाइयों, आज एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर ये कि स्नैपचैट पर, या आपके व्हाट्सएप पर, या कहीं किसी भी जरिए फोन कॉल पे जो आपका हमदर्द बनता है ना, वही सबसे पहले आपका दुश्मन है, याद रखिए। देखो जिंदगी में सबके परेशानियां, मेरी जिंदगी में तकलीफ है, मान लीजिए कि किसी मसले पे मैं बीवी से नाराज होकर निकला, किसी ने फोन पर वहां राबता किया, उससे पता किया, हमदर्दी के दो बोल बोले, इंसान इतना कमजोर है कि खुद ब खुद फितने में मुबतला होगा, फितने में मुबतला होगा। आप ये बात याद रख लो, जो आदमी नाजायज रिश्ता, यानी नाजायज का मतलब ये कि जिस हद में जाके गुफ्तगू करना जायज नहीं, उस हद में आके आपसे रिश्ता, आपसे रिश्ता निभाने की बात करता है, वो आपका खैर का नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं इस वक्त की ये सच्चाई, आप में से भी बहुत सारे अहबाब ये बात जानते होंगे, इस व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने और इन जदीद वसाइल ने हमारे और आपके रिश्तों में बड़ी दरारें पैदा की। कितने शौहर है जो अपनी बीवियों के बारे में शकूक व शुबहात में मुबतला है, कितने अपनी कितनी खवातीन है जो अपने शौहरों के बारे में शकूक व शुबहात में मुबतला है, और कितने तो ऐसे हैं जिनको मालूम है कि मेरी बीवी का या मेरे शौहर का किसी के साथ कुछ मामला चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती पूछने की। अल्लाह के बंदो और बंदियों, ये जहर है सोशल मीडिया आपके इज्दवाजी रिश्ते के लिए। अगर कोई आपका हमदर्द बनना चाहता है, याद रखो शादीशुदा जिंदगी में ऊंच नीच आती है, और ऐसे ऊंच नीच के मौके पे आपकी वालिदा, आपका भाई, आपकी बहन, ये आपके हमदर्द हो सकते हैं। कोई अजनबी अगर हमदर्दी करने आएगा तो आदमी याद रखना वो आपसे हिसाब करेगा, जो इतनी हमदर्दी करेगा उसकी उजरत जरूर वसूल करेगा, उसकी उजरत जरूर वसूल करेगा। आपको लगेगा कि इससे अच्छी तो जिंदगी मेरी फुलान के साथ हो सकती है, नहीं होगी अल्लाह के बंदो, जिंदगी उसके साथ भी होगी तो फिर ऐसी ही होगी। कितने ऐसे शादीशुदा मर्द हैं
अपनी बीवी से शिकायत है, दूसरी बीवी से हमदर्दी है। सुभान अल्लाह, अगर इतने ही एक्सपर्ट है कि एक औरत के गमों का सारा मुदावा कर सकते, वो अपनी बीवी के कर लेता ना। अपनी बीवी के लिए जो खुश ना कर सका, वो किसी पराए की बीवी को जाकर जिंदगी के उसके सारे मसाइल हल करने की बात करे, इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में क्या हो सकता है। अल्लाह के बंदो, इस सोशल मीडिया के जहर को पहचानो, रिश्ते यहां से बिखरते नजर आ रहे हैं। हाजिने गिरामी कद, बातें बहुत सारी, लेकिन जो बातें मैं कहना चाह रहा था वो ये, ऐसी कितने दरवाजे हैं जहां से खराबियां आ रही है, जो हमारे और आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही। आखिरी एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर लेता हूं। देखो, ये मियां बीवी का रिश्ता है ना, ये सबसे बड़ी जो चीज चाहता है वो मियां बीवी का आपस में एक दूसरे के लिए कुछ खास वक्त होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं वो फितरी जरूरत वाला नहीं, फितरी जरूरत से आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ तन्हाई में ऐसा वक्त जो दोनों के अंदर जहनी हम आहंगी पैदा कर सके, दोनों के जहन एक दूसरे से इतने मिल जाएं कि इतने मजबूत रिश्ता बना लें कि फिर वो सारी बुनियादी या सारे असबाब दरवाजे पे दस्तक दे तो भी खत्म हो जाएं। आज के दौर में मोबाइल ने जो नुकसान पहुंचाया है ना, इसे आप सबब के तौर पर भी ले लें। बीवी है, शोहर है, कमरे में है, कोई और नहीं है, लेकिन बीवी शोहर से जुदा, शोहर बीवी से जुदा, मोबाइल पे लगे हुए नहीं। ये वक्त आप दोनों का एक दूसरे के लिए, जितना वक्त एक दूसरे के लिए आप देंगे, आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। और ये मोबाइल आपके दरमियान सौखन जब तक बना रहेगा, तब तक यकीन मानिए आपके घर से आपके रिश्ते बिखरते नजर आएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ये जो असबाब मैंने जिक्र किए हैं, इन असबाब का अल्लाह ताला तदारुक करते हुए अपने रिश्तों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। मियां बीवी के इस पाकीजा और मोतबर रिश्ते को अल्लाह ताला हम और आपको समझने और रिश्तों को संभालने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत खत्म हो गई, अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाए। नाराजगियां हैं तो अल्लाह उनका खातिमा फरमाए। और सबसे बढ़कर ये कि इन रिश्तों को निभाकर एक बेहतरीन समाज का फर्द और अल्लाह ताला के अच्छे बंदे और बंदियां बनने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।